हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मित्रों के बीच मर्यादा की कोई दीवार नहीं होती। अपनी हैसियत के अनुसार तुम्हें जो चाहिए मांग लो। हम किसी राजा से दान मांगने नहीं आए थे, एक मित्र से मिलने आए थे। और आपने मित्रता की परिभाषा हमें समझा दी है कि मित्रता केवल बराबर वालों में ही की जा सकती है। सो जिस दिन हम अपने को आपके बराबर कर लेंगे, उसी दिन आपसे भेंट करेंगे। द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बचपन में एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। वह उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी और समय बीतने पर जब ये दोनों बड़े हो गए तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। ब्राह्मण को क्या चाहिए? ये कहता है कि ये आपका परम मित्र है, आपसे मिलकर आप ही को बताएगा कि इसे क्या चाहिए। मित्र और हमारा? जी हाँ, मित्र और बहुत पुराना मित्र। मुझे यही आशा थी कि तुम मुझे पहचानोगे नहीं। पुरानी बात है, तुम्हारी स्मृति खो गई होगी। हमारी स्मृति तो नहीं खो गई, हाँ तुम्हारे होश अवश्य खो गए लगते हैं, क्योंकि तुम्हें इतना भी होश नहीं कि एक राजा को तुम कहकर संबोधित नहीं किया जाता, आप कहा जाता है। राजा के साथ वार्तालाप की एक मर्यादा होती है। होती है, परंतु राजन, मित्रों के बीच मर्यादा की कोई दीवार नहीं होती। अपना बाल्यकाल याद करो। बाल्यकाल में मनुष्य कई प्रकार की मूर्खताएं करता है, तो क्या वो जीवन भर के लिए मूर्ख ही रहता है? नहीं, बड़े होकर जीवन के सत्य को समझना चाहिए। और तुम इतना भी सत्य अभी तक नहीं समझ पाए कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक भिखारी और एक राजा में नहीं होती। फिर भी हम अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सो हे ब्राह्मण, अपनी हैसियत के अनुसार तुम्हें जो चाहिए मांग लो। जो वस्तु मांगोगे हम वही वस्तु तुम्हें दान कर देंगे। नहीं राजन, हम किसी राजा से दान मांगने नहीं आए थे, एक मित्र से मिलने आए थे। और आपने मित्रता की परिभाषा हमें समझा दी है कि मित्रता केवल बराबर वालों में ही की जा सकती है। सो जिस दिन हम अपने को आपके बराबर कर लेंगे, उसी दिन आपसे भेंट करेंगे। द्रुपद के दरबार में अपने अपमान का दर्द द्रोणाचार्य की छाती में बरसों तक सुलगता रहा। इसलिए जब पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगते समय उनसे कहा, मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है, पांचाल देश के घमंडी राजा द्रुपद को बांध कर जीवित अवस्था में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि या तो पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित करके अपराधी की भांति बांध कर आपके श्री चरणों में लाकर खड़ा कर दूंगा, और यदि यह ना हो सका तो अपना धनुष तोड़कर आपके चरणों में रख जाऊंगा और फिर जीवन भर अपना धनुष नहीं उठाऊंगा। विजयी भव। अर्जुन और द्रुपद के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। वाह अर्जुन वाह, you
मेरे इस अस्त्र को मारने वाला इस संसार में परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं था। काश तुम जैसा परमवीर मेरा पुत्र होता तो हम सारी सृष्टि के सम्राट होते। राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर अब हमारा अधिकार हो गया है, ये मानते हो? हाँ। परंतु हमें तुम्हारा समस्त राज्य नहीं चाहिए, हम तुम्हारा आधा राज्य चाहते हैं, बाकी आधा राज्य तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हें स्वीकार है? हाँ। इसका अर्थ समझते हो? आधे पांचाल के राजा हम हैं और आधे पांचाल के राजा तुम हो। इसका अर्थ यह है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं। क्या अब मैं तुम्हें अपना मित्र कह सकता हूं या अब भी तुम्हें मेरा मित्र कहलाने में संकोच हो रहा है? अब और लज्जित न करो मित्र, अर्जुन से हारने में मुझे इतनी व्यथा नहीं हुई जितनी तुम्हारे इन तीखे वचनों से हो रही है। मेरी उस भूल को क्षमा कर दो द्रोण, मुझे क्षमा कर दो। नहीं द्रुपद, नहीं, मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते। तुम्हारी मित्रता मुझे इतनी प्यारी थी कि तुम्हारी मित्रता पाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो अर्जुन। अपने पाश अस्त्र से मेरे मित्र को मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। मित्र, राजा द्रुपद, इसका अर्थ यह है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं, बराबर बराबर के हो गए हैं।